सर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन, आपका पूरा नाम, पूरा परिचय के साथ। मैं ऑल इंडिया ग्लोबल ऑल मीडिया एंटरटेनमेंट अलायंस फेडरेशन का चेयरमैन हूँ, और ये फेडरेशन हम लोगों ने, आपका नाम इकबाल अख्तर होगा, ये फेडरेशन हम लोगों ने शुरुआत की है, मैंने और दिलीप मिटवा वगैरह ने, कि जो इस तरीके के मसले होते हैं वो जो वेस्टर्न इंडियन एक फेडरेशन है उसमें नई सुनवाई होती है, इसलिए हमने ये फेडरेशन को शुरू किया है। अभी क्या मसला है जिससे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसके बारे में बात? अभी मसला ये है कि एक वसीम रिजवी है जो यूपी के हैं, और उन्होंने एक इससे पहले एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राम की जन्मभूमि, जिसमें उन्होंने काफ़ी मतलब वायलेंस फैलाने के लिए और इस तरीके की मूवी बनाई थी कि दोबारा से राइट्स वगैरह हों। अब उन्होंने वो फिल्म जब नहीं कर चल सकी या नहीं रिलीज़ हो पाई प्रॉपर, उसमें भी काफ़ी सीन्स ऐसे ही थे हिंदू मुस्लिम और शिया सुन्नी के, गवर्नमेंट ने भी उसमें काफ़ी बैन लगाया और काफ़ी सेंसर से भी आउट किए। अब उन्होंने एक नई फिल्म अनाउंस की डिजिटल मीडिया के हिसाब से, और उसमें कुछ टीजर्स ऐसे डाले हैं जो बड़े ख़तरनाक हैं, और उससे सेंटीमेंट्स जो है रिलीजियस सेंटीमेंट्स को काफ़ी हर्ट कर रहा है, और कहीं पर जाकर वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ हैं हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन पर फिल्म बनाने की कोशिश की है, जो एक सरासर गलत है, क्योंकि उनके किरदार के अंदर इस दुनिया में दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है। तो एक फिल्म इंडस्ट्री की कोई भी एक्ट्रेस उस किरदार को, तो वो तो क्या कोई पंचवक्ता नमाजी और परहेजगार होगी ना, वो भी हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बराबरी नहीं कर सकती। तो उसने ये बहुत बड़ी जुर्रत की है, और दोबारा से वही सेम शिया सुन्नी के बीच एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है जो आगे जाकर बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने कंप्लेंट की ओशूरा पुलिस स्टेशन में, ओशूरा पुलिस स्टेशन ने उसी वक्त इंटरनेट के जो साइबर क्राइम है वहाँ पर लेटर वगैरह देकर उस टीजर्स को तो बैन कर दिया और उसको हटा दिया, लेकिन हमने अभी मांग की है कि उनके ऊपर FIR लिया जाए, जो कई जगहों पर उनके ऊपर FIR हुआ है। सर, ये फिल्म का नाम क्या है जो? इस फिल्म का नाम ही आयशा रखा, जो कि गलत है। उनसे कुछ बात करने की कोशिश की आपने, मतलब कि जैसे अगर बात करने से मामला नहीं, उनको जब इतनी ये कॉन्ट्रोवर्सी हो गई तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये जो टीजर्स है ये मैंने नहीं किया, मैंने 13 मिनट का टीजर्स लगाया था और ये 17 मिनट का है, मुझे 17 मिनट और 13 मिनट के टीजर से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ ये है कि आपने हज़रत आयशा सिद्दीका के ऊपर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर, मतलब हम उनका नाम भी अगर लेते हैं ना तो बड़ी रिस्पेक्ट और इज्जत से लेते हैं कि उनके नाम के आगे हमें रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहना ही ज़रूरी है। तो आपने आयशा लिखा कैसे और उनके ऊपर फिल्म बनाने की इतनी बड़ी आपने जुर्रत कैसे की? उस किरदार को, मतलब वो किरदार का कोई सानी नहीं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, तो आपने इतनी बड़ी हरकत कैसे की? तो इसका मतलब सरासर आपका यही है कि आप सुन्नियों को ऊपर ला रहे हैं कि भाई आप भी आओ, मतलब तो उनको गुमराह कर रहे हैं या उनको एक तरीके से उंगली कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है क्या दूसरी फिल्म बनाने के लिए? और सब्जेक्ट नहीं है, पहले राम की जन्मभूमि एक कंट्रोवर्शियल, अभी हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो क्या है? तो फिल्म सर, आपने फिल्म देखी क्या? फिल्म बिना देखे टीजर है ना मेरे पास, टीजर से बहुत बहुत कुछ नहीं, लेकिन एक चीज समझ लीजिए आप, फिल्म कोई भी हो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर फिल्म नहीं बन सकती। अभी तो हमने पुलिस से मांग की है, जरूरत पड़ी तो कोर्ट से भी स्टे लाएंगे और वो फिल्म को बैन करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी द मैसेज फिल्म जो हॉलीवुड ने बनाया था उसमें भी ऑब्जेक्शन काफी आए थे, बैन हुई थी, इंडिया में भी बैन हुई थी, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ साया इस्तेमाल किया गया, उनको चेहरा मुबारक नहीं दिखाया गया। इन्होंने इतनी बड़ी हरकत कैसे की? चाहे शिया हो, सुन्नी हो या कोई भी हो, कोई भी मुस्लिम से वो कैसे कर सकता है? गैर मुस्लिम नहीं करते ये चीज़ों, तो ये कैसे हो सकती है? तो आयशा हो सकता है, आयशा किरदार का नाम हो और नहीं, हमने वो पूरा देख लिया और उनका स्टेटमेंट भी है,
मेरे पास उनका स्टेटमेंट भी है। स्क्रिप्ट मिला क्या आपको? स्क्रिप्ट नहीं, उन्होंने मुझे, उन्होंने इंटरव्यू में बोला है कि ये हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तीसरी बीवी के ऊपर मैंने फिल्म बनाई, उनका खुद का स्टेटमेंट है मेरे पास है। अच्छा, यूट्यूब पर है। तो आपने जब उनको नोटिस भेजा था तो उनकी तरफ से कुछ रिप्लाई आया था? अभी तक हमने उनको नोटिस नहीं भेजा, अभी हमने काम किया सर पुलिस स्टेशन से, हम पहले चाहते हैं एफआईआर, उसके बाद में कोर्ट के थ्रू ट्यूसडे तक नोटिस पहुंच जाएगा। सर आप पहली बार में हुआ ये सिलसिला कब शुरू हुआ कंप्लेंट का, अगर बात करें? ये कंप्लेंट का शुरू हुआ 4 दिन पहले से। पहले आप बताएंगे कैसे किसने पहले की और फिर ये? पहले तो यूपी से ही शुरू हुई और हैदराबाद से शुरू हुई, उसके बाद में बॉम्बे तक पहुँची। मैं समझता हूँ टाउन में भी कई लोगों ने किया हुआ है, यहाँ पर हुशोरा में भी मेरे अलावा कई और लोगों ने किया हुआ है। मैं तो एज ए जो बॉलीवुड का जितने भी एसोसिएशन है जो मेरे हाथ में है, मैं एक एज ए चेयरमैन इस पर एक्शन ले रहा हूँ कि बॉलीवुड एक तो क्या है कि इस्लाम में बॉलीवुड हराम, तो एक हराम के अंदर तुम एक और काम कर रहे हो गलत कि हजरत आयशा सिद्दीका का किरदार आप डालकर एक मूवी बना रहे हो, क्यों आपके पास दूसरी सब्जेक्ट नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं जाकर शिया सुन्नी और जो अभी माहौल चल रहा है, ये मॉबलिंग चल रहा है या जो भी चल रहा है, ये सब पर कहीं ना कहीं जाकर इसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा और ये माहौल खराब होने वाली चीज है। तो क्या हम ये माने कि ये पब्लिसिटी के लिए, सस्ती पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं या उन्होंने आज तक यही किया है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं जाकर गलत मैसेज तो जा रहा है। आप तो कई लोगों को के रिलीजियस का सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा आप एक अच्छी अच्छे नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो गलत ही। अगर आज मेरी माँ बहन के ऊपर अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है या हमारे नेताओं के साथ में कोई गलत इस्तेमाल करता है, अभी मूवी बनी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसके ऊपर भी काफ़ी ऑब्जेक्शन आई थी कि उनका हकीकत क्या बताया हुआ। संजू बाबा के ऊपर आई थी, उसके ऊपर भी आया था कि संजू बाबा का किरदार वो बराबर अदा कर सकता है या नहीं, तो ये कोई किंग पर भी हुआ था सरदार बराबर है, तो ये कोई दुनियावी लोग नहीं है, ये हम ये प्रॉफिट्स के लोग हैं। तो ओवरऑल होता है सर यही कि फिल्म को बेनिफिट हो जाता है अगर किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी तैयार हो जाती है, खड़ी हो जाती है। नहीं नहीं, हम तो ये फिल्म देखा है कि लास्ट में कंप्रोमाइज होता है और फिल्म को बेनिफिट हो जाता है। नहीं, ये फिल्म जैसे वो राम की जन्मभूमि को भी आगे बढ़ने नहीं थी, गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया उसमें और काफ़ी वो चीज़ें निकाली, वो फिल्म दब के रह गई, ठीक है ना। अब ये फिल्म को भी हम लोग इंशाल्लाह इसको बनने नहीं देंगे और अगर बन गई है तो रिलीज होने नहीं देंगे। इसके लिए अगर कुछ आंदोलन भी करना पड़ा ना तो हम करेंगे। कौन से एसोसिएशन आपके साथ हैं इस? मेरे पास काफ़ी एसोसिएशन है, अभी नाम तो मुझे नहीं, लेकिन मेरे वेबसाइट पर फेडरेशन इम्पा वगैरह मेरे पास है। नहीं, इम्पा वगैरह को हम हमारे पास इम्पा वगैरह नहीं होते, हमारे पास जो बीम है जैसे क्या कहते हैं लेबर है और मेकअप है, ऐसे सारे उसी को फेडरेशन कहते हैं, 17 यूनियन उन्हीं का फेडरेशन। और पॉलिटिकल नेताओं से कुछ बातचीत की है आपने इस बारे में? नहीं, मैंने पहला काम पुलिस स्टेशन का किया है, क्योंकि अगर मैं कहीं पर भी फ़ोन करता हूँ तो उसका असर गलत जाता है, क्योंकि एक मेरा नाम है पहले से इकबाल अख्तर वाला, एक पूरा ऑरा मेरा अलग है स्टार्ट से, तो कहीं वो जाकर वहाँ इफेक्ट नहीं करे कि थ्रेड का मैं वो कर रहा हूँ। तो मैंने इस तरीके से पहले लीगल ही जो शुरुआत की है वो लीगल से कराऊँ और आगे भी लीगल कोर्ट के थ्रू इस फिल्म को बैन करूँ। और अगर वो बैन करने से मना करते तो आपकी तरफ से क्या एक्शन होने? नहीं, मैं तो कोर्ट तो उसके ऊपर एक्शन लेगी ना, बिकॉज कोर्ट तो इन चीज़ों को मानती ही नहीं ना, वो तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए अलाउ ही नहीं करती। लॉ तो है ना हमारे पास, तो कैसे हो सकता है? इसके अलावा एक और मूवी है, एक और डायरेक्टर है जिसके ऊपर आप सेकंड कंप्लेंट डालने वाले हैं, डालती है? नहीं, मैंने डाल दिया हूँ। क्या है अब ये क्या हो गया कि एक माहौल बन गया है पहले से कि गानों के अंदर अरबिक वर्ड इस्तेमाल करें। इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने, म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने और ख़ास करके मैं नाम लूँगा कि हिमेश रेशमिया ने काफ़ी अपने पॉपुलरिटी के लिए इस्लामिक कुरानिक अरबिक वर्ड को इस्तेमाल किया हुआ है गानों के अंदर, इंशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हाल ही में संजय लीला भंसाली जी एक फिल्म सलमान खान के साथ में बना रहे हैं जिनका टाइटल है इंशाल्लाह, मैंने उस पर भी अभी कंप्लेंट की है और वो टाइटल इंशाल्लाह मैं जो है वो उनको चेंज करने के लिए लीगल नोटिस भी इशू किया हूँ।
ये आप ये टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई भी अरबिक वर्ड, चाहे वो समझ लीजिए ना कि मैं सिर्फ अरबिक मुस्लिम्स के लिए नहीं कहता हूँ, कोई भी ऐसा वर्ड हो जो गैर मुस्लिम में भी हो या क्रिश्चियंस में हो या सिख में हो, आप उसको अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि अब वो इंशाल्लाह वर्ड है, वो उसके आप पोस्टर्स लगाओगे, वो पोस्टर्स पढ़ेंगे, वो अल्लाह का नाम ज़मीनों पर होगा। तो जिनकी इबादत हम करते हैं, जिनके लिए हम पैदा हुए हैं, उनके लिए तो ये सब नहीं करने देंगे। आज अगर कोई भी चीज़ का है कि एक अच्छा नाम है, जैसे और भी रिलीजियस में है, ईसाई अलैहिस्सलाम है, राम है, और भी लोग हैं, तो अगर ये सब सारे नाम अगर ये पैरों के अंदर आते हैं तो ये तो बेहूमत है। नहीं मतलब कि जिनको आप गॉड मानते हो, जिनको आप भगवान मानते हो, जिनको आप ये मानते हो, उनको आप पैरों में कैसे ला सकते हो? जिनके आप इबादत करते हो, जिनसे आप मांगते हो, तो आप अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते ना इनको, खास करके बॉलीवुड के अंदर। तो ये मैं अभी ये लाऊंगा ही कि बॉलीवुड में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जहाँ पर हमारे लिए हराम वर्ड यूज़ किया गया है कि बॉलीवुड हराम, उसमें आप खास करके अरबिक वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए कोर्ट हो, कुछ भी हो, वो हम जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा वो अपनाएंगे। तो सर उसमें सलमान खान इशारा है, तो सलमान खान तो इसमें देखिए सलमान खान हो, उससे पहले बजरंगी भाईजान के बाद बजरंगी जो है हिंदू धर्म के हिसाब से वो देखिए वो भी ऑब्जेक्शन लेना ही चाहिए था। बजरंगी जो हनुमान का नाम है बिल्कुल वो लेना चाहिए था, उस पर भी ऑब्जेक्शन आना चाहिए था, उस वक्त मैं नहीं था। देखिए किसी ने कोई ठेका नहीं लेके रखा हुआ है कि अगर मैं इकबाल अख्तर वाला हूँ तो मैं फलाना नाम यूज़ कर सकूँगा। तो आप हिंदू के लिए मुस्लिम सबके लिए लड़े, सबके लिए लड़ूंगा इस तरीके की। मैं बताया ना कि किसी भी तरह की कोई भी सेंटिमेंटल, अगर वो रिलीजियस को सेंटिमेंट्स करता है तो मैं उसको भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, तो मैं उसके लिए एज ए फेडरेशन खड़ा होऊंगा, जरूरत पड़ी तो एज ए इकबाल अख्तर वाला भी खड़ा होगा। तो सलमान खान को कैसे देखते हैं आप? सलमान खान ने क्यों किया? अगर नहीं देखिए सलमान खान इससे पहले जितनी फिल्में उनकी उसमें कई गाने उनके भी हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह और वो सब है, तो अभी उनको सोचना चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ और मैं अल्लाह के नाम लेकर नाच रहा हूँ, तो ये उनको सोचना चाहिए ना कि ये आप खुद अपने आप को देखो क्या क्या कर रहे हो। इससे पहले ऐसे लोग जब प्रमोट करते हैं इन सब चीज़ों को तो कहीं ना कहीं असर पड़ता है। बिल्कुल असर पड़ता है, ये असर का ये तो ये है, ये आस्ते आस्ते लोगों को मौका मिला है जो आज ये टाइटल भी इंशाल्लाह आ गया, इसको आप क्या कहेंगे? बीच में खान ये लोगों को चांस मिला शुरू हो गया। बीच में खान फैमिली पे उंगली उठी थी कि गणपति रखते थे कि इनको दल से निकाल दिया जाए, बीच में काफी दिन तक पहले फतवा भी जारी हुआ था उसका। हाँ देखिए मैं एक बात बताता हूँ, सलमान खान के यहाँ पर सिर्फ सलमान खान, उनकी मम्मी भी है जी, उनकी बहन भी अर्पिता है, ठीक है ना, उनकी भाभियाँ हैं, वो गैर मुस्लिम है, उन्होंने इस्लाम अपनाया नहीं, तो वो अपना रख सकते हैं क्योंकि वो उनका वो रिलीजियस वो अपने घर में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे सलमान खान के ऊपर कोई भी वो नहीं जाता। ये कुछ लोग हैं जो मजा लेने वाले बीच में, देखिए ये लोगों का काम है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मेरे घर में अगर मेरी वाइफ अगर वो अपना धर्म अपने उसमें यूज कर रही है तो उससे मेरा नाम नहीं आएगा। शाहरुख खान है, अभी गौरी है, तो गौरी अपना वो भी रखती है ना, सब रखते ना, क्यों सलमान खान वाई? सलमान खान के ऊपर ही क्यों उंगली उठाते? तो कई मौलानाओं ने ऑब्जेक्शन उठाया था और फतवा भी तो जारी मैं वही बता रहा हूँ कि आप फतवा जारी करने से पहले कुछ चीज़ों को सोचो, तो मतलब वो उनको जानकारी ऐसा नहीं है, जानकारी नहीं है, बहुत सी चीज़ें होती है जो, और हर कोई फतवा जारी नहीं कर देता है, और अगर आप फतवा जारी करते हो तो उसको पूरी तरीके से उसके भी कुछ फॉर्मेलिटीज है जिसको आपको पूरा करना होगा कि मैंने उठाया फतवा जारी कर दिया, तो क्या फतवा जारी करके क्या किया आपने? उल्टा उनको पब्लिसिटी ही मिली इससे। देखिए हमारे इस्लामिक कानून में सिर्फ यही है कि आपने अगर 3 जुमा की नमाज छोड़ दी तो पहले तो आप इस्लाम से खारिज हो गए, बात ही वहाँ पर ख़त्म हो गई। अब आप दोबारा कलमा पढ़ो, दोबारा सुन्नत करो, उसके बाद में आप इस्लाम में आओगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आप फॉलो करते हो क्या? कौन आदमी कौन सा ऐसा इतना बड़ा मुसलमान है जो 3 नमाज जुमा की नहीं छोड़ता है? क्यों फतवा जारी नहीं करते आप लोग? तो सब इससे हट के बात करते हैं, आपने संजय लीला बंसाली के खिलाफ भी कंप्लेंट की, कोई हमेशा सुर्खियों में छाए रहने वाले मार पिटाई, कभी मार खाते हैं जयपुर में, कभी कुछ होता है, राम जाने खुद कराते हैं या कोई करता है, ये देखिए मैं एक कंट्रोवर्सी क्यों शिकार रहते हैं ये? हाँ ये लोगों की एक
वो बन जाती है कि इससे पहले इन्होंने वो पिक्चर बनाई थी, क्या नाम उसका, जयपुर में महारानी को, हाँ या उसके ऊपर वहाँ पर भी मार्केट आई, हुआ था मार्केट आई हुई। अब वो मतलब हर जगह पर कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी को ठेस पहुँचाना और उसकी पब्लिसिटी लेना। लोग कहते हैं खुद करवाया है, कोई कहते हैं क्या, लेकिन वो खुद करवाया होगा तो कोई भी मार, देखिए ऐसा है ना कि मैं अगर एक रिस्पेक्टेबल पर्सन हूँ तो कोई मुझे लाफा मार कर जाएगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा और मैं अपने आप को किसी से लाफा नहीं करवाऊँगा। लेकिन कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुँची, उन्होंने एक्शन लिया, अब ये नया काम आ गया। अब ऐसा है कि आप हर एक दरवाज़ा खटखटा रहे हो, अब जाकर आपने मुसलमानों का दरवाज़ा खटखटा दिया कि भाई इंशाअल्लाह कर दिया, तो आज तो आप इंशाअल्लाह पे आ गए, वो आयशा पे आ गए, कल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आ जाएंगे। क्या स्टोरी बची नहीं है आपके पास? वही तो बोला हूँ, क्या टाइटल नहीं है आपके पास? हाँ, क्या स्टोरी नहीं है आपके पास? आप बॉलीवुड में बताना क्या चाहते हो? ये मास पब्लिक के लिए ये तरीका है क्या? पहले की फिल्में सुपरहिट नहीं होती थी? साफ सुथरी फिल्में बनती थी ना पहले भी, इससे पहले भी, तो क्या सुपरहिट नहीं हुई? सुपर डुपर हिट हुई। लेकिन इकबाल जी, आजकल जमाना बदल गया है, डिजिटलाइजेशन और हर चीज़ डिजिटल पे आ चुकी है, जो फिल्मों में अश्लीलता नहीं दिखाई जाती थी आज धड़ल्ले से उससे 100% ज़्यादा परोसी जाती है वेब सीरीज़ के जरिए। अगर इसकी जगह कोई वेब सीरीज बना तो उस पर क्या एक्शन लेते हैं आप? देखिए, अगर वेब सीरीज़ भी बनती है, हाँ देखिए, वो सेंसर से बाहर होती है, हम सेंसर तक भी रोक सकते हैं, लेकिन वेब सीरीज़ पर भी लॉ किसी के लिए भी नहीं है ऐसा, कानून तो है सबके लिए, वेब सीरीज़ के लिए कानून नहीं, ऐसा नहीं है। वेब सीरीज़ को भी रोका जा सकता है अगर उसके अंदर गलत चीज़ें इस्तेमाल हुई, लेकिन अश्लीलता के ऊपर हमारे ऊपर नहीं बनता है, वो एक एनजीओ को बनता है कि वो उसके ऊपर एक्शन दे। अगला स्टेप क्या है आपका अभी? मेरा अभी नेक्स्ट वीक में, जब तक ये FIR हो जाएगा तो मैं एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा, और नेक्स्ट वीक में अगर हमें सही रिप्लाई नहीं मिलता है कहीं से तो हाईकोर्ट हम वो करेंगे, उसकी तैयारी कर चुके हैं। आपने किसी के जरिए बात पहुँचाई? जैसे आपने बोला अगर मैं फ़ोन करूँगा और बोला जाएगा इकबाल ने फ़ोन किया। हाँ, नेचुरली इकबाल अगर उन्होंने फ़ोन किया मुझे, मेरे पुराने पूरे डेटा लेकर पहुँच जाएंगे पुलिस स्टेशन, पीछे का 20 साल वाला एक बार, हाँ इकबाल अंदर वाला को दोबारा जागरूक करेंगे ना, दोबारा सुर्खियों में। हाँ, तो कभी आपने सोचा किसी को बोल कर वहाँ भेजा जाए या किसी को? नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, इससे पहले भी मैंने कई चीज़ें, अभी इससे पहले भी मैंने जो ये पुलवामा हुआ था उसके बाद में जितने पाकिस्तानी गाने जिन लोगों ने गवाए थे, मैंने सलमान भाई के इधर भी नोटिस इशू किया था, गाने निकल गए थे। देखिए, ये हमारी इंसानियत हमारे अंदर होना चाहिए, देशभक्ति हमारे अंदर होना चाहिए कि आप पाकिस्तानी गानों सिंगर्स को बुलाकर यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, वो यहाँ से पैसे ले जा रहे हैं वहाँ पर, आप सिर्फ किस लिए कर रहे हैं कि वो सस्ते में आ रहे हैं और बड़ा नाम मिल रहा है, कि वो हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है? वो गानों को भी मैंने नोटिसेस मार मार के और कम करवाया, और अभी मैं सबसे बड़ा स्टेप यही उठा रहा हूँ कि जितने लोगों ने पाकिस्तानी सिंगर्स और आर्टिस्ट लोगों को अपनी फिल्मों में लिया है, मेरा नोटिस अभी उनको जा रहा है कि भाई आपने इनके अंदर ये देखा था क्या कि इनके पास वर्क परमिट है या नहीं है, तो किस बेस पे आपने ये किया? अभी मैंने कदम उठा लिया है, मैं अभी तक एक साल से खामोश बैठा हुआ था, लेकिन अभी मैंने कदम उठा लिया। अब मैं एक एक करके, अभी रेशन लड़कियां हैं जो यहाँ पर बिना कार्ड के काम कर रही हैं, अभी उनके ऊपर हम रेड मारेंगे, पहले उनको हटाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे डांसर्स को काम नहीं मिल रहा। मुझे कौन सी फेडरेशन, कौन सी एसोसिएशन, उससे किसी से कोई लेना देना, मैं अपनी फेडरेशन और अपने लोगों के लिए लड़ाई कि जो जिन लोगों को घर में बिठा दिया गया है और दादागिरी चल रही है। श्रीनगर नहीं हटता है, फिल्म का नाम चेंज नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे? नहीं नहीं, मैं तो कोर्ट से उसके ऊपर एक्शन लूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट मुझे उसमें पूरा सपोर्ट करेगी और सहायता देगी और मैं ये विन लेकर विन करूँगा। बॉलीवुड कौन कौन जुड़े आपके साथ में? मुझे किसी की जरूरत नहीं है, फिर अभी कोई तो जुड़े, अगर कोई जुड़ता है तो वेलकम, और नहीं आता है तो मैं अकेला काफी हूँ। और कुछ कहना चाहिए सर लास्ट में? बस मेरा मैसेज यही है हर किसी को कि आप जो भी फिल्में बनाएं अच्छी बनाएं, लोगों के लिए अच्छी चीज़ें बनाएं, जिससे एक मैसेज मिले, जैसे साउथ इंडियन बनाते हैं, उसमें कहीं पर भी आप देखो वो लोग कितनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं धार्मिक, लेकिन कहीं पर भी एक वर्ड या एक चीज़ किसी को हर्ट करने वाली नहीं होती। तो आप मेहरबानी करके इसको मेरी रिक्वेस्ट समझें, अपील समझें कि कोई भी किसी भी तरह की, चाहे वो मुस्लिम रिलीजियस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और धर्म से रिलेटेड हो, इस चीज़ को आप बायकॉट करें,
और अगर कोई करता भी है तो उसको आप लोग मनाई करें, ये आपकी इंसानियत गिनी जाएगी और दूसरे के लिए एक अच्छाई और इज्जत गिनी जाएगी आपके लिए। आपके हाथ में कुछ कॉपी है, दिखाना चाहिए क्या है, आप दिखाना चाहेंगे? हाँ। ये मैंने कंप्लेंट की हुई है सामने यहाँ से फ्रेंड करके, आप ये वसीम रिजवी की है दोनों जो ओशुरा पुलिस स्टेशन का। क्या क्या लिखवा है इसमें आपने? इसमें मैंने उनके लिए वो जो जो चीज़ें लिखनी है एज ए लीगल वो किया हुआ है। ये संजय लीला बंसारी स्टैंप है किसके? हाँ बिल्कुल, पुलिस स्टेशन का स्टैंप है, बिल्कुल है। और ये कहाँ पे दर्ज करिए? हाँ ओशुरा, ओशुरा, ओशुरा। अभी ए सी पी डी सी को वगैरह सब कुछ चली गई है और होम मिनिस्टर को यहाँ पर सब जगह पर मैंने दी हुई है, सबको मेल कर दी हुई है, डिस्कच कर दी हुई है। तो इसका कहीं ना कहीं तो मुझे उम्मीद है कि ये इन तरीके की जो चीज़ें चल रही है इसमें सपोर्ट मिलेगा मुझे।